राज्य सरकार ने 19 नए जिलों के नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मीटिंग में इन जिलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जयपुर और जोधपुर जिले के भी दो टुकड़े किए गए हैं। इनके नगर निगम क्षेत्र को जयपुर जोधपुर और इससे बाहर वाली तहसीलों को जयपुर जोधपुर ग्रामीण में शामिल किया गया है। प्रदेश में पहले से 33 जिले थे, अब 19 नए जिलों के बाद 50 जिले हो गए हैं। पाली, सीकर, बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है। इसके बाद अब राज्य में 10 संभाग हो गए हैं। सरकार ने नए जिलों में IAS और IPS अफसरों को OST लगाया था। अब नए जिलों की अधिसूचना जारी करते ही उनका पद कलेक्टर और SP हो जाएगा। नए जिलों में अब कलेक्टर, SP और जिला लेवल के ऑफिस खुलने शुरू होंगे। नोटिफिकेशन के तहत ब्यावर जिले में 6 उपखंड तथा 7 तहसीलों को ब्यावर जिले में शामिल किया गया। इनमें ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर उपखंड शामिल किए गए हैं। वहीं ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर ब्यावर जिले में तहसील के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ब्यावर जिले का नोटिफिकेशन जारी करते ही शहरवासियों में खुशी का माहौल छा गया। वहीं सभी शहरवासियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। नवगठित ब्यावर जिले का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शहर के विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने खुशी जताई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बार एसोसिएशन ब्यावर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर, विधायक शंकर सिंह रावत सहित अनेक संगठनों तथा शहरवासियों ने आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया है। उधर आतिशबाजी के बाद विधायक शंकर सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विशेषाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशेषाधिकारी रोहिताशु सिंह तोमर तथा उपखंड अधिकारी मधुर सिंह का बुके देकर स्वागत किया। सर, 1956 से जो हम ब्यावर की जनता, ब्यावर जिले की मांग कर रहे थे, आज वो मांग पूरी हुई है। उसका श्रेय ब्यावर की जनता को देता हूँ कि उन्होंने इतना धैर्य रखा, 1956 से लेकर आज तक ब्यावर जिले का इंतजार किया। हमारा हक तो 1956 में बढ़ गया था, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज 60-70 साल बाद जाके ब्यावर को जिला बनाया गया। जिला बनने की जो घोषणा हुई थी उसका नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें सभी बार संस्था और ब्यावर वासियों में अपार हर्ष है। हमारे साथ सभी पार्षद साथियों ने और विभिन्न समाज के लोगों ने, वर्गों ने, व्यापारिक संगठनों ने और समस्त जनता ने जितने सालों से लगातार प्रयास किया और सभी के प्रयासों से, माननीय विधायक साहब ने प्रयास किया, अन्य जनप्रतिनिधि ने प्रयास किया, सभी के प्रयासों से आज ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके लिए सभी पूरे शहर बहुत खुशी का माहौल है और ब्यावर जिला बनने के नाम और प्रयास से ब्यावर में डेवलपमेंट के काम पे जो जागृति आई है, चारों तरफ हरा भरा, हजारों वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे विकास का अन्य फंड मिले और ब्यावर विकास और ब्यावर का जो लोगों की वर्षों की मांग है, जिसे जीवन यापन लोग करते हैं, उनका बेहतर भविष्य हो, ये हमारी आशा करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा भी आज 15 साल का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। निश्चित तौर के ऊपर 15 साल में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज नज़र आ रही है कि हमारी एक मांग थी, पहली बार विधायक बने हमें, हमने एक ऋण लिया था जल और जिले के, तो जल का काम पहले पूरा हो गया, क्योंकि शहर की माताओं बहनों के लिए नल से पानी आ जाता है और ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनों ने कभी नल देखा ही नहीं था कि नल से पानी कोई आता है तो कुएं का पानी नल से आ जाएगा, ये संभव नहीं था। तो आज वो संभव हुआ है और निश्चित तौर पर टाटगढ़ तक के एरिया में पूरा ब्यावर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है राजस्थान में, ब्यावर में एक ग्रामीण क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है जिसके हर गांव और ढाणी के अंदर पानी पहुंच रहा है। ये ब्यावर क्षेत्र के वासियों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी बदौलत हुआ है। और फिर छोटे छोटे काम तो सारे होने के जो नहीं हैं सब हुए हैं, और विशेष करके जो जिले की मांग थी वो कम से कम बहुत देश की आज़ादी के बाद में हमने बहुत लंबे समय से आवाज़ उठती आ रही है और हमारे को भी इस 15 साल के मुक्त में बहुत अच्छा संघर्ष करने का भी मौका मिला और इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ 11 दिन का धरना, आमरण, अनशन और दो बार ब्यावर से जयपुर तक की पद यात्रा हमने पूरी की। निश्चित तौर के ऊपर सरकार के कान खोलने के लिए और ब्यावर की मांग को वहाँ रखने के लिए जी जान से, चाहे सदन में हो, मेरे कार्यकाल में जिस प्रकार आज 15 साल पूरे होने जा रहे हैं, 15 साल में ऐसा कोई बजट सत्र, ऐसा कोई सत्र नहीं गया हो
जिसके अंदर ब्यावर का जिले का क्वेश्चन नहीं लगा। ब्यावर की जनता के लिए और कांग्रेस परिवार के लिए आज का दिन विशेष है। ब्यावर की जनता को जो बरसों पुरानी मांग थी जिले की, उसका आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका अनुमोदन हुआ है। उसके लिए तमाम ब्यावर जिले में आने वाले क्षेत्र के अंदर हर्ष की लहर है और हम सब कांग्रेस परिवार के सदस्यगण इस खुशी के अवसर पर अशोक जी गहलोत को, जननायक जी को धन्यवाद देते हैं और आतिशबाजी कर हमारा इजहार प्रकट करेंगे। साथ ही हमारे इस देश के सबसे बड़े जननायक राहुल जी गांधी को, जो एक जंग लड़ रहे थे, जिन्होंने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सत्य पर हूं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस जंग पर मोहर लगाई है। उस खुशी में हम सब कांग्रेस एकत्रित हुए और इसका इजहार हम पटाखे छुड़ा कर